हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स करेंगे, ठीक है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, इसमें जो नंबर्स है इसका अर्थ है ऑड नंबर, इवन नंबर्स, ठीक है? ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर चार केसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एडिशन देखेंगे, उसके बाद सब्सट्रैक्शन देखेंगे और लास्ट में मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। हम यहाँ पर चार केसेस कंसिडर करेंगे। सबसे पहले इसमें हम ऑड नंबर, इवन नंबर लेंगे, ठीक है? अगर उन दोनों का सम करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा, जो हमारा रिजल्टेंट होगा, वो कौन सा नंबर होगा, ठीक है? वो कौन सा नंबर होगा आज हम उस वीडियो में देखने वाले, ठीक है? आज हम इस वीडियो में देखने वाले, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होगा, हमारे चार कंडीशन होंगे, ठीक है? चार कंडीशन होंगे, तो सबसे पहले हम कंडीशंस लिख देते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा आपको आसानी से क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है? हमारे पास देखिए दो प्रकार के नंबर्स तो होते हैं, जैसे ऑड नंबर्स और इवन नंबर। अब देखिए ऑड नंबर, इवन नंबर हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्राइम नंबर उसमें ऑड नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर में भी यहाँ पर हमारे पास ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर दो ही नंबर को कंसिडर करेंगे। सबसे पहला नंबर होगा हमारा ऑड नंबर का और सेकेंड नंबर होगा हमारा इवन नंबर का, ठीक है? ऑड नंबर, इवन नंबर में दो नंबर्स को हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पर हम चार केसेस लेंगे, ठीक है? यहाँ पर हम चार केसेस लेंगे। सबसे पहले लेंगे हम इवन नंबर प्लस इवन नंबर, ठीक है? उसके बाद लेंगे हमारा इवन नंबर प्लस ऑड नंबर, ठीक है? इवन नंबर ऑड नंबर करने के बाद हमारा जो रिजल्टेंट होगा, हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है? थर्ड में देखेंगे हम ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर, ठीक है? और फोर्थ में जो लास्ट कंसीडर होगा, अब देखिए यहाँ पर टू है, ठीक है? यहाँ पर टू है, एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है। अब देखिए 2 के पावर 2 करना पड़ता है, और इस प्रकार से हमारे जो केसेस होते हैं वो कितने आ चुके हैं, यहाँ पर 4 आ चुके हैं। ये मैं आपको कभी अलग वीडियो में बताऊंगा कि हम इस प्रकार के कैसे केसेस लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल है तो हमारे चार केसेस हो गए। अब वेरिएबल का मतलब होता है, जैसे देखिए हमारे पास दो नंबर है, ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे 2 रेज़ टू पावर 2 करेंगे, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है? ये मैं आपको किसी अगले वीडियो में बताऊँगा। और फिर लास्ट में क्या लेंगे हम ऑड नंबर प्लस इवन नंबर, ठीक है? इस प्रकार के हमारे कंडीशंस रहेगी। अब सबसे पहले हम 1 बाय 1 एक एक कंडीशन को देखेंगे कि इवन नंबर प्लस इवन नंबर करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है? यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे 1 बाय 1 कंसिडर केसेस को कंसिडर करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर रूल्स को यूज़ करेंगे और आंसर निकालना शुरू करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे दो इवन नंबर्स को लेंगे, फिर एक इवन नंबर एक ऑड नंबर को लेंगे, फिर दो ऑड नंबर्स को लेंगे और दो फिर एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर को लेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, जो हमारी कंडीशन 1 है। जैसे देखिए इवन नंबर प्लस इवन नंबर, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या आएगा हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास इवन नंबर्स, आपको पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2, 4, 8, ठीक है? 2, 4, 6, 8, देखिए इस प्रकार के क्या होते हैं हमारे इवन नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स को कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, कैसे आपको उसे पहचान करनी है वो भी मैंने आपको बताया था। अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, वो संख्या हमारी इवन नंबर हो जाएगी, ठीक है? और पहचानने का और एक तरीका है, अगर किसी संख्या के जो यूनिट डिजिट होता है, जो लास्ट डिजिट होता है, उसमें अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहा तो वो जो नंबर होगा वो हमारा इवन नंबर होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है? प्रीवियस वीडियो को आप देख लीजिए। अब क्या करेंगे हम दो इवन नंबर्स को लेंगे और आंसर जो होगा वो क्या आता है हम देखेंगे। तो दो इवन नंबर्स को हम क्या कंसिडर करेंगे, जैसे इवन नंबर मैंने एक ले लिया, एक हमारा 12 है और सेकेंड जो इवन नंबर है हम क्या हम कंसिडर करेंगे उसे 6 कंसिडर करेंगे, ठीक है? अब 12 प्लस 6 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है? 18 क्या है हमारा यहाँ पर और एक हमारा इवन नंबर है, 18 क्या है हमारा और एक इवन नंबर है,
तो देखिए दोस्तों, जब हमने इवन प्लस इवन किया तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, इवन आ रहा है, ठीक है। जब हमने इवन नंबर प्लस इवन नंबर किया तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, इवन आ रहा है, ठीक है। ये तो हमारा पहले बार हमने किया था, और एक बार हम देखेंगे। देखिए इसमें हमने किया 12 प्लस 6 किया तो 18 आया, तो इवन आ रहा है। और क्या करेंगे हम, और एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि सच में क्या इवन प्लस इवन करने के बाद हमारा इवन ही आता है, ठीक है। उसके बाद हम एक कंसिडर करेंगे, यहाँ पर कंसिडर करेंगे जैसे 48 और 60। देखिए 48 भी इवन नंबर है, 8 आ रहा है इसके यूनिट डिजिट में, और ये भी हमारा 60 में जो जीरो है वो भी हमारा इवन नंबर के लिए कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अगर हम इसे प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा, ठीक है। 108, 108 में जो 8 है ये क्या हमें दर्शा रहा है कि ये जो नंबर है ये हमारा इवन है, ठीक है। तो ये भी नंबर, जब हमने दो इवन नंबर्स को किया तो हमारा जो थर्ड नंबर है, जो आंसर है, वो भी क्या निकला, हमारा इवन नंबर निकला, ठीक है। हमारा क्या निकला, इवन नंबर निकला। तो ये हमने दूसरा एग्जांपल लिया, उसमें भी हमें क्या पता चला है कि अगर हम दो इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है, इवन नंबर आ जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझा होगा, ठीक है। और एक बार हम देख लेंगे, अगर दो इवन नंबर्स को हम ऐड करेंगे, जैसे दो इंडिविजुअल इवन नंबर्स को हम ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर जो होगा वो भी हमेशा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो भी हमेशा इवन नंबर हो जाएगा। तो ये सबसे पहले हमारी कंडीशन थी, तो हमारी कंडीशन हमने प्रूव कर ली है कि जब भी दो इवन नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो भी क्या हो जाएगा, हमेशा इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर दो एग्जांपल्स लिए। सबसे पहले एग्जांपल्स में देखिए, 12 प्लस 6 लिया था तो भी हमारा आंसर 18 आया था, वो भी हमारा इवन नंबर है। 48 प्लस 60 किया था, वो भी जब हमने किया तो 108 आया, तो वो भी जो नंबर था वो भी हमारा क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो कंडीशंस देख ली है। अब हम देखेंगे हमारी इवन नंबर और ऑड नंबर की कंडीशन देखेंगे, ठीक है। इवन नंबर प्लस ऑड नंबर की हमारी कंडीशन देखेंगे। तो देखिए ये है हमारी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन को आप देखिए, इवन नंबर प्लस ऑड नंबर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई भी एक इवन नंबर ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 12, ये हमारा इवन नंबर है, ठीक है। और ऑड नंबर में यहाँ पर 7 ले लेता हूँ, ठीक है। ऑड नंबर में यहाँ पर मैं 7 ले लेता हूँ। अगर मैं इसे प्लस करूंगा, 12 प्लस 7 को अगर मैं प्लस करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा 21 आ जाएगा, ठीक है, 21 आ जाएगा। अब ये जो 21 है, ठीक है, यहाँ पर 1 आ रहा है इसके लास्ट में, ठीक है। इसके लास्ट में अगर 1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑड नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। ऑड नंबर का किस प्रकार से पहचान करनी है, मैंने आपको इसी चैनल के वीडियो में आपको बताया है, ठीक है। ऑड नंबर को कैसे पहचानना है, मैं और एक बार आपको बता देता हूँ। किसी भी संख्या को अगर आप 2 से डिवाइड करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 1 आता है तो वो जो संख्या होती है वो हमेशा ऑड नंबर होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर कोई भी संख्या है उसमें अगर 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो जो संख्या होगी यूनिट डिजिट में, अगर 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो जो संख्या होगी वो भी क्या हो जाएगी, हमारी ऑड नंबर हो जाएगी, ठीक है। तो हमने एक इवन नंबर लिया, एक ऑड नंबर लिया, दोनों को प्लस किया तो हमारा जो संख्या आ रही है, जो रिजल्ट आ रहा है, वो भी क्या आ रहा है, हमारा ऑड नंबर आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम सेकंड नंबर लेंगे। जैसे देखिए इवन नंबर हम लेते हैं यहाँ पर 88 लेते हैं, ठीक है, और 9 ले लेते हैं यहाँ पर। दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 97 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 97 आ जाएगा। अब 97 में जो 7 है ये क्या इंडिकेट करता है कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये क्या है, हमारा ऑड नंबर है, ठीक है। ये जो नंबर है हमारा क्या कंसिडर बता रहा है कि जो 7 होता है यूनिट डिजिट में, तो वो जो नंबर होता है कितना ही बड़ा नंबर हो वो क्या होता है, हमारा ऑड नंबर होता है, ठीक है। वो क्या होता है, हमारा ऑड नंबर होता है। जब हमने दो केस कंसिडर किया और हमने देखा कि जब एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। हमने दो केस कंसिडर किया, दोनों एग्जांपल्स में हमारा जो आंसर आ रहा है वो हमेशा ऑड आ रहा है, ठीक है, वो हमेशा ऑड आ रहा है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर जो होगा वो हमेशा ऑड नंबर ही होगा, ठीक है, वो आंसर हमारा हमेशा ऑड नंबर ही होगा। अब हम क्या कंसिडर करेंगे, अब हमारी थर्ड नंबर की केस देखेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर का केस क्या है,
कि जब हम दो ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, देखिए थर्ड नंबर का केस देखिए आप, ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर। अब देखेंगे ऑड प्लस ऑड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, ऑड नंबर का मैंने आपको बताया था कि टू से अगर किसी संख्या को डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर वन आता है तो वो संख्या क्या होती है, ऑड होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जांपल लेंगे और आंसर निकालेंगे, फाइंड करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा। तो सबसे पहले हम कोई भी एक ऑड नंबर ले लेते हैं, जैसे 11 ले लेते हैं मैं एक ऑड नंबर, और दूसरा ऑड नंबर मैं लेता हूँ 9 लेता हूँ। ठीक है, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे, दोनों ऑड नंबर है, 11 भी ऑड है 9 भी ऑड है, अगर दोनों इवन नंबर्स को मैं ऐड ऑड अगर दोनों ऑड नंबर्स को मैं ऐड करूंगा, देखें आंसर क्या आता है, ये क्या आ रहा है, यहाँ पर 20 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, पर 20 क्या है दोस्तों, ये हमारा इवन नंबर है। ठीक है, 20 क्या है, ये हमारा इवन नंबर है। ठीक है, तो इस केस में क्या आ रहा है, जब हमने एक एग्जांपल लिया, जब दो ऑड नंबर्स को हमने ऐड किया तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमेशा इवन नंबर है। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, हमारा आंसर इवन नंबर आ रहा है। तो हमने एक केस कंसिडर किया, अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं 51 और 7। ठीक है, 51 और 7, अगर 51 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है, अगर दोनों को प्लस करूँगा तो देखिए क्या आता है। ठीक है, ये आ रहा है 58 आ रहा है। ठीक है, 58 आ रहा है, तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों, कि जब हम दो ऑड नंबर्स को जैसे 51 और 7 को ऑड कर ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो हमेशा क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, हमारा इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब ऑड नंबर्स, दो इंडिविजुअल ऑड नंबर्स को हम जब ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हमेशा इवन नंबर आता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या आता है, हमेशा इवन नंबर आता है, तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी थर्ड नंबर की कंडीशन। अब हम देखेंगे कि हमारे जो लास्ट नंबर का कंडीशन है इसमें क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो हमारी लास्ट कंडीशन देखिए आप, फोर्थ नंबर की कंडीशन है। ठीक है, ऑड नंबर प्लस इवन नंबर को ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, कोई भी ऑड नंबर ले लेते जैसे 11, यहाँ पर एक इवन नंबर लेते 8 ले लेते। ठीक है, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है आंसर, 19 आ रहा है। ठीक है, देखिए 11 ऑड नंबर है, 8 इवन नंबर है, और आंसर कितना आ रहा है, 19 आ रहा है, तो इसका अर्थ है ये हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, देखिए जब हम एक ऑड नंबर को और एक इवन नंबर को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, ऑड आ रहा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल वन था। हम और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 41 और यहाँ पर 12। ठीक है, 41 और 12, 41 ऑड नंबर है, 12 हमारा इवन नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे देखिए कितना आता है, 53 आ रहा है। ठीक है, 53 आ रहा है, 53 उसके बाद क्या है, और एक ऑड नंबर है। ठीक है, और एक ऑड नंबर है, तो दो एग्जांपल कंसिडर करने के बाद हमें पता चला है कि अगर हम एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा ऑड नंबर आएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा ऑड नंबर आएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। और एक बार हम इसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सबट्रैक्शन में जाएंगे। देखिए जब एक इवन नंबर को हम इवन नंबर से प्लस करते हैं तब हमारा आंसर क्या आता है, इवन आता है। जब एक इवन नंबर को ऑड नंबर से प्लस करते तो हमारा आंसर क्या आता है, ऑड नंबर आता है। जब हम दो ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, इवन आता है। ठीक है, अगर हम एक ऑड को और एक इवन को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, आप किसी से भी करेंगे तो जो हमारे आंसर्स आएंगे वो हमेशा क्या आ जाएंगे, इसके रिस्पेक्ट में आएंगे। जैसे इवन प्लस इवन करेंगे तो इवन आएगा, ऑड प्लस ऑड करेंगे तो इवन आएगा, इवन और ऑड करेंगे तो हमेशा ऑड ही आएगा। ठीक है, हमेशा ऑड आएगा। तो ये तो था हमारा एडिशन का, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसमें हमें सिर्फ ये वाला थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना है। हम क्या करेंगे, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस की साइन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस की साइन लगा देंगे। अब तक हमने देखा था एडिशन के बारे में, अब हम देखेंगे सबसेक्शन में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले केस हमारी ये है, इवन माइनस इवन करेंगे, इवन नंबर माइनस इवन नंबर करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा हम देखते हैं। तो कोई भी इवन नंबर को कंसिडर करेंगे, जैसे 10 माइनस
सिक्स कर लेते हैं, ठीक है। टेन भी इवन है, सिक्स भी इवन है, आंसर कितना है आ रहा है यहाँ पर, टेन भी इवन है, सिक्स भी इवन है, आंसर देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर, फोर आ रहा है, ठीक है। तो जो आंसर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है हमारा, इवन नंबर आ रहा है, ठीक है, वो भी क्या आ रहा है हमारा, इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 50 माइनस 10 कर देते, ठीक है, 50 माइनस 10 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 40 आएगा, ठीक है, हमारा आंसर कितना आएगा, 40 आएगा। तब जब हम दो इवन नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा क्या आ रहा है यहाँ पर, दो केस देखने के बाद हमेशा इवन आ रहा है, ठीक है, इवन आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जब हम दो इवन नंबर्स को माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर हमेशा इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारी सबसे पहली केस थी। अब हम केस सेकेंड पर जाएंगे, ठीक है, केस सेकेंड पर जाएंगे। हमारा केस सेकेंड है इवन नंबर माइनस ऑड नंबर, ठीक है, इवन नंबर माइनस ऑड नंबर करने के बाद हमारा आंसर क्या आता है। कोई भी एक इवन नंबर को कंसिडर कर लेते हैं, जैसे मैं 20 को कंसिडर कर देता हूँ, और यहाँ पर कोई भी ऑड नंबर जैसे 7 को कंसिडर कर देता हूँ। तो देखिए 20 माइनस 7 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 13 आ जाएगा, ठीक है। ये इवन नंबर है, माइनस ऑड नंबर किया तो हमारा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर, 13 आ रहा है। तो इसका अर्थ है कि जब हम इवन नंबर में से अगर ऑड नंबर को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 13 आ रहा है, ठीक है, 13 आ रहा है। तो इसका अर्थ है कि ये जो आंसर आएगा इवन नंबर माइनस ऑड नंबर करने के बाद, तो वो हमेशा हमारा ऑड नंबर ही आएगा, ठीक है, वो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। और एक एग्जांपल को कंसिडर कर लेते हैं, जैसे 14 माइनस 9 कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 भी क्या है, हमारा ऑड नंबर है, ठीक है, 5 भी क्या है, हमारा ऑड नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं जब हम इवन नंबर में से ऑड नंबर को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हमेशा ऑड नंबर ही आता है, ठीक है। तो ये आपको सेकंड नंबर की कंडीशन अच्छे समझ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर। हमारी नेक्स्ट कंडीशन है ऑड माइनस ऑड क्या होता है, ठीक है। तो देखिए थर्ड कंडीशन है हमारी ऑड माइनस ऑड, ठीक है। तो देखिए कोई भी नंबर लेंगे हम, जैसे 13 ले लेते हैं और यहाँ पर 7 ले लेते हैं, ठीक है, 13 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है, दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आपने देखा होगा कि जब हम दो ऑड नंबर्स को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, एक बड़े ऑड नंबर में से एक छोटे ऑड नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर, देखिए हमारा आंसर यहाँ पर 6 आ रहा है, ठीक है, हमारा आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और 6 क्या है, हमारा इवन नंबर है, ठीक है, 6 क्या है, हमारा इवन नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक बड़े ऑड नंबर में से एक छोटे ऑड नंबर को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर इवन आ जाएगा, ठीक है। ये तो पहला एग्जांपल था। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऑड नंबर लेंगे हम, जैसे 41 माइनस 9 कर देते हैं, ठीक है, 41 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 32 आ जाएगा। 32 भी क्या है, उसके बाद एक इवन नंबर है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक बड़े ऑड नंबर में से एक छोटा ऑड नंबर को माइनस करेंगे तो हमेशा हमारा आंसर जो होगा वो इवन नंबर में आएगा, ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा, इवन नंबर में आएगा। अब ये थर्ड नंबर की कंडीशन थी। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर, जो हमारी कंडीशन नंबर 4th है। अब देखिए ऑड नंबर माइनस इवन नंबर, अब देखेंगे हमारा आंसर क्या आता है। कोई भी ऑड नंबर को हम ले लेंगे, जैसे हमारे पास है 51 और उसमें से हम इवन नंबर को माइनस करेंगे, 8 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, 8 को माइनस कर देते हैं। अब 51 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 51 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 43, ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 43। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऑड नंबर में से अगर हमने इवन नंबर को माइनस किया तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 43 आ रहा है। और 43 क्या है, हमारा ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है। और एक केस देखेंगे, कंडीशन देखेंगे और एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए 15 माइनस 4, ठीक है, 15 माइनस 4, 15 ऑड नंबर है, 4 हमारा इवन नंबर है, अगर दोनों का माइनस करेंगे तो देखिए कितना आता है, 15 में से 4 जाएगा तो 11 आ जाएगा, ठीक है, 11 आ जाएगा। तो ये भी क्या आ रहा है, हमारा ऑड नंबर आ रहा है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम एक ऑड नंबर में से इवन नंबर को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा ऑड नंबर ही आएगा।
ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा ऑड नंबर ही आ जाएगा। तो ये था दोस्तों सबसेक्शन के बारे में, और एक बार हम देख लेते हैं किस प्रकार से ये आते हैं। ठीक है, जब आप दो इवन नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर आपका इवन नंबर ही आएगा। एक इवन, एक बड़े इवन नंबर में से एक छोटे ऑड नंबर को माइनस करेंगे तो आपका आंसर ऑड नंबर ही आएगा। अगर आप ऑड नंबर में से ऑड नंबर को माइनस करेंगे तो आपका आंसर इवन नंबर आएगा। अगर आप एक ऑड नंबर में से एक इवन नंबर को माइनस करेंगे तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा, हमेशा ऑड नंबर ही आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर ऑड नंबर ही आ जाएगा। तो ये था दोस्तों सबसेक्शन के बारे में। ठीक है, पहले हमने देखा था एडिशन के बारे में, उसके बाद हमने देखा अभी सबसेक्शन के बारे में, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर अभी साइन चेंज करेंगे, पूरा इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यहाँ पर माइनस है, वहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, अब हम देखेंगे कि दो इवन नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आता है। ठीक है, दो इवन नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आता है। ठीक है, देखिए कोई भी इवन नंबर ले लेंगे, जैसे टू को लेते, एक काम करेंगे यहाँ पर मैं फोर को ले लेता हूँ, फोर इंटू सिक्स ले लेता हूँ। ठीक है, फोर इंटू सिक्स कितना होता है, देखिए फोर इवन नंबर है, सिक्स इवन नंबर है, फोर इंटू सिक्स लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा। और 24 भी क्या है, हमारा इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर है, ये कंडीशन वन है। दूसरा एक एग्जांपल लेंगे, जैसे देखिए 10 इंटू 8 ले लेते हैं। ठीक है, 10 इंटू 8 लेंगे, 10 भी इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 80 आ जाएगा। ठीक है, 80 आ रहा है, और 80 क्या है, हमारा इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम दो इवन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, हमेशा इवन में ही आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा इवन में ही आएगा। ठीक है, हमारा आंसर हमेशा इवन में ही आएगा। तो ये हमारी सबसे पहली कंडीशन थी। अब कंडीशन टू पे जाते हैं, तो हमने आंसर लिख दिया इवन इंटू इवन क्या आता है, हमेशा इवन नंबर ही आता है। अब हम सेकेंड नंबर पर देखेंगे, सेकेंड नंबर पर क्या है, देखिए इवन नंबर इंटू ऑड नंबर। ठीक है, इवन नंबर इंटू ऑड नंबर, तो हमारा आंसर किस में आएगा, इवन नंबर में आएगा कि ऑड नंबर में आएगा। ठीक है, कोई भी इवन नंबर ले लेते हैं, छोटे छोटे नंबर ही लेंगे, ज़्यादा बड़े नंबर नहीं लेंगे। जैसे देखिए 8 ले लेते हैं, और ऑड नंबर में यहाँ पर 7 ले लेता हूँ। ठीक है, ऑड नंबर में यहाँ पर 7 ले लेता हूँ, ये फर्स्ट एग्जांपल है। 8 इंटू 7 करेंगे तो कितना आता है, 56 आता है। ठीक है, अब ये इवन नंबर है, 7 ऑड नंबर है, और जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारा इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तो ये एग्जांपल वन था, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे कि इवन इनटू इवन क्या होता है। यहाँ पर हम लेते हैं 12 ले लेते हैं, और यहाँ पर 9 ले लेते हैं। ठीक है, 12 9 ज़ा कितना होता है, 108 होता है। तो ये भी क्या आ रहा है दोस्तों, 108 भी क्या है, हमारा इवन नंबर है। ठीक है, 108 भी क्या है, हमारा इवन नंबर है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इवन को अगर हम ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम एक इवन नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर भी क्या आता है, हमेशा इवन नंबर ही आता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या आता है, हमेशा इवन नंबर ही आता है। तो ये हमारी सेकेंड नंबर की कंडीशन थी। अब हम कंडीशन थर्ड पर जाएंगे। ठीक है, अभी हम कंडीशन थर्ड पर जाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर, अगर हम दो ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है। ठीक है, देखिए ऑड नंबर कोई भी कंसिडर करेंगे, जैसे 15 एक हमारा ऑड नंबर है, ये हमारा एग्जांपल वन है, और कोई भी एक ऑड नंबर दूसरा लेते हैं, जैसे 3, 15 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर देखिए कितना आ रहा है, 45। अब ये जो 45 है, इसके लास्ट में 5 है, तो ये भी क्या है, हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, ये भी क्या है, हमारा ऑड नंबर है। तो हम ये देख सकते हैं कि जब ऑड नंबर्स को दो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, हमेशा हमारा ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, और एक बार हम क्या करते थे, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 11 इंटू, देखिए 11 भी क्या है, हमारा ऑड नंबर है, 5 भी क्या है, हमारा ऑड नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर 55 आ जाएगा। ठीक है, 55 भी क्या है, हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, 55 भी क्या है, ऑड नंबर है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं
कि जब हम एक ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी हमारा क्या आता है, ऑड नंबर ही आता है, ठीक है। हमारा आंसर क्या आता है, वो भी ऑड नंबर आता है। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं बहुत आसानी से कि एक ऑड नंबर और दूसरे ऑड नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो होगा वो भी क्या होगा, हमारा ऑड नंबर ही होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट कंडीशन के ऊपर। अब लास्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों सेम ही है, ठीक है। पहले इसमें इवन था, इसमें ऑड है, इसमें ऑड है, इवन है, ठीक है। इसमें भी क्या आ जाएगा फिर आपके हिसाब से, इवन ही नंबर आ जाएगा। पर हम देख लेते हैं, ऑड नंबर इंटू इवन नंबर करेंगे तो देखिए क्या आता है। कोई भी एक ऑड नंबर ले लेते जैसे 11 ऑड नंबर है, और एक इवन नंबर ले लेते जैसे 8 इवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 88 आ जाएगा। ये भी क्या है, हमारा इवन नंबर है, ठीक है। इनटू यहाँ पर 4 ले लेते, ठीक है। 9 फोर ज़ा कितना, 36 होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा इवन नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम एक ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा क्या आता है, इवन नंबर आता है, ठीक है। हमारा आंसर क्या आता है, हमेशा इवन नंबर आता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आता है, हमेशा इवन नंबर होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने एडिशन भी देखा, सब्ट्रैक्शन भी देखा, मल्टीप्लिकेशन भी देखा नंबर्स का, कौन से नंबर्स का, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स का। हमने कंडीशन देखी कि जब हम दो इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। दो नंबर्स को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, दो नंबर्स को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में पूरा उसे देखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आओ तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।